चने की बुआई जीरो टिल सीड ड्रिल और हल के पीछे कूड़ों में 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। ध्यान रहे कूड़ों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रखने से पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे भरपूर उपज प्राप्त हो सकती है। अगर बुआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक करनी हो तो कूड़ों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। चने की समय से बुआई या देर से बुआई के लिए निर्धारित बीज दर को भी आप समझ सकते हैं। जी हां, बड़े दाने वाले प्रजातियों के लिए 85 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, छोटे दाने वाले प्रजातियों के लिए 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और देर से अगर आपको बुआई करनी हो तो इस स्थिति के लिए 20 से 25% अधिक बीज का उपयोग करनी चाहिए। किसान भाइयों, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक समय से बुआई और 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक देर से बुआई की जाती है। चने की फसल को अनेक रोगों से बचाने के लिए बुआई के पहले बीजोपचार करना जरूरी होता है, जैसे उकटा और जड़ गलन रोग से बचाव के लिए 2 ग्राम थीरम के साथ कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को मिलाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों का शोधन करना चाहिए। इसके अलावा कार्बेंडाजिम की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से या 4 ग्राम टाइकोड्रमा के साथ 1 ग्राम बीटावैक्स पावर पाउडर मिलाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करना अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायक होता है। 200 ग्राम के राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए उपयोग करें। राइजोबियम उपचार के लिए 50 ग्राम गुड़ या चीनी आधा लीटर पानी में घोलकर उबालें। इस घोल को ठंडा हो जाने के बाद उसमें राइजोबियम कल्चर को मिला दें। फिर इस घोल में बीज को इस प्रकार मिलाएं कि बीज के प्रत्येक दाने पर राइजोबियम कल्चर की परत बन जाए। इस प्रक्रिया के बाद बीज को छांव में सुखा लें और 5 से 6 घंटे के बाद बुआई कर दें। इसके अलावा राइजोबियम के साथ PSB कल्चर से बीजों को उपचारित करने से फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है और इससे आपको उपज दर अधिक मिलती है। फसल में कजरा पिल्लू या कटवर्म की समस्या न हो, इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।